खुद के क्रिमिनल केसेस हो। मैं एक और बात यहाँ पे एक मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ कि आज वर्ल्ड वाइड दुनिया में, पूरी दुनिया में हमारा हिंदुस्तान वुमेन्स के लिए मोस्ट अनसेफ कंट्री बन चुका है, मोस्ट अनसेफ कंट्री इन द वर्ल्ड। क्या लगता है मैं बता दूँ, इसके जिम्मेदार, इसके जिम्मेदार हर वो इंसान है जिसको सजा नहीं है। सिर्फ किसी को ब्लेम कर देना ये सजा के घाट तक नहीं पहुंचा। इतने रेप केसेस डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट आपको ये बता रही हिंदू मुसलमानों से नफरत करो या फिर ये मत करो ये करो, और तुम देशभक्त नहीं अगर तुम ये नहीं करोगे, अगर तुम पाकिस्तान से नफरत नहीं करोगे तो फिर तुम देशभक्त नहीं हो, तुम आतंकवादी हो। सिर्फ पाकिस्तान से नफरत करना देशभक्ति दिखाता है। मैं एक और बात, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो लोग, चाहे वो मोदी सरकार के कोई भी पॉलिटिशियंस हो या वो मोदी जी के कोई भी भक्त हो या वो कोई भी मेरे प्रिय भाई या प्रिय बहन हो, अगर आपको ये लगता है कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, भारत एक हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, तो फिर आप, मैं गोडसे को तो नहीं कह रही कि आप उसके फॉलो, लेकिन आप जिन्ना के जरूर फॉलो, आप जिन्ना के जरूर फॉलो, एग्जैक्ट आप जिन्ना के साथ में जरूर फॉलो। पाकिस्तान कोई सेक्युलर कंट्री नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं उनका कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से शुरू होता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वी द पीपल ऑफ इंडिया से शुरू होता है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द हिंदू पीपल ऑफ इंडिया से शुरू नहीं होता है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, यहाँ पे पैदा होने वाला हर इंसान, और आप अब जिन्ना की थ्योरी को वापस ला रहे हो किसके जरिए से, मोदी जी के जरिए से, देशभक्तों के जरिए से, देशभक्ति के नाम पे आप जिन्ना की थ्योरी को वापस ला रहे हो जो जिन्ना ने यहाँ पे खत्म करा। अच्छा, आप मुझे सवाल के लिए, जब भी आप आलोचना करते हैं आवाज ये स्टूडेंट्स जो है वो समझ नहीं रहे और इन्हें उकसाया जा रहा है कि आज भी आप जो है नहीं है कि आप ये नहीं समझ सकते कि CAA क्या है, NRC क्या है, NPR क्या है, नहीं पता ये सब हमें बिल्कुल समझ आता, हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, हमें टीचर्स पढ़ाने आते हैं और हम पढ़ाई करते हैं, तो वी आर एबल टू लर्न एनीथिंग। आप मेरी बात को समझ सकते हैं। मैं ये कहती हूँ अगर आप ये एक्ट आपको लाना था ना तो फिर सुध में रह के लाना। अब ये तो बिल्कुल बेसुध लग रहा है, इतने क्रिमिनल केसेस इंडिया में बढ़ते जा रहे हैं, इतने क्रिमिनल केसेस, बल्कि सारे मुझे लगता है मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स तो BJP के अंदर ही हैं, और मुझे अभी बहुत गालियाँ पड़ने वाली हैं कॉमेंट्स में, ठीक है, और लेट इट बी, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। बट मैं दूसरी बात ये, पॉवर्टी रेट पाकिस्तान की, पता है आपको ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना हो चुका है हमसे ज़्यादा, वो हमसे पिछड़ा हुआ माना जाता था, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन्हीं की ज़्यादा चर्चा की जा रही है ना, मैं इन्हीं के बारे में बता दूँ, मैं पूरी दुनिया की बात क्यों करूँ। इंडिया के अंदर हमारी जीडीपी कितनी थी अभी लास्ट ईयर तक 6.9, लेकिन अब हमारी जीडीपी पता है कहाँ तक पहुँच चुकी है 4.2, और पाकिस्तान की जीडीपी पता है कितनी हो गई है 5.1। या ये एक्ट लॉजिकल नहीं है यार, तुम पहले यहाँ पे सुधार तो करो। चलो ठीक है, तुम उन लोगों को बुलाना चाहते हो बुलाओ, उन्हें यहाँ पे रहने के लिए घर कहाँ से दोगे, हमें निकाल के, पहले हमें निकालोगे फिर उन्हें सुख दोगे, हमें दुख दे के तुम उन्हें फिर सुख दोगे। और यहाँ पे ऑलरेडी जो रोडों पर इतने लोग हैं उनका क्या होगा, उनके बारे में सोच लो यार, और देशों के बारे में मत सोचो। रिस्पेक्ट माई प्राइम मिनिस्टर, द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, आई रियली रिस्पेक्ट, आई रिस्पेक्ट माई होम मिनिस्टर, बट देयर वर्क, व्हाट इज देयर वर्क, इट इज नॉट लाइक दैट कि हमने NRC का जिक्र भी नहीं किया है, इट इज नॉट लाइक दैट। जब से 2014 से हम ये सुनते आ रहे हैं कि एन
एनआरसी आएगा और हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र बनेगा, तो फिर हमारे आई एम रियली वेरी प्राउड ऑफ माई हिस्ट्री, माई इंडियन हिस्ट्री, कि उन्होंने इतनी मेहनत करी, सबने मेहनत करी, चाहे वो हिंदू थे, मुसलमान थे, सिख थे, सबने करी। और मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मैं सब चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढना जानती हूँ बहुत अच्छे से, चाहे वो कोई भी रिलीजन के ऊपर बात चल रही हो या फिर देशभक्ति के ऊपर बात चल रही हो, आई डू एग्री। लेकिन तुम अगर सिर्फ ये नेता लोगों की बातों में आके किसी और को सोचने लगो और कमेंट के अंदर ही तुम्हारी बातों से ऐसा लगने लगे कि ये इंसान से बात करना बिल्कुल निहायत ही बेकार है, तो फिर हमारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। हम यहाँ किस लिए हैं यार? सिर्फ एक राइट मैसेज कन्वे करने के लिए, सिर्फ अच्छी बात तुम तक पहुँचाने के लिए, कोई यहाँ पे कोई भी बुरी बात फैलाने के लिए यहाँ पे हम नहीं करते। ये कहते हैं कि अब मैं उनके बारे में क्या ही बोलूँ और क्या ना बोलूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन मैं मुख्तार अब्बास न मुख्तार अब्बास को हमारे जो माइनॉरिटीज़ के वो हैं मिनिस्टर, उनको मद्देनज़र रखते हुए और हमारे जो होम मिनिस्टर हैं उनको, इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं, देर इज नो डिफरेंट बिटवीन बोथ ऑफ देम। भले से कहने के लिए उनका नाम मुसलमानों वाला है और अमित शाह जी का नाम हिंदू वाला है, ठीक, सिर्फ इतना डिफरेंस काफ़ी नहीं है। ये दोनों ही सच्चाई पे नहीं है, ये दोनों ही सच्चाई पे नहीं है। और ये जो कुछ भी यहाँ पे चल रहा है वो अपनी एक हद से हद तक की कोशिश नहीं है, एक्चुअली करना ही उसके हाथ में, हमने सरकार बनाया तो करना ही उसी के हाथ में, कोशिश तो हम लोग कर रहे हैं, करेगी तो वही सरकार ही, तो वो करेगी डेफिनेटली। लेकिन अगर इतनी बेदर्द हो गई, जैसे कि अगर बीजेपी के कुछ नेताओं के बयान उठा के देख ले जाए तो दिल कांपने लगता है कि यार इतनी नफरत इन्होंने अपने दिल में क्यों भर रखी। अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।